नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपने डीसी डीसी की गाड़ियों का नाम तो बहुत सुना होगा। इंडिया के अंदर काफी सारी गाड़ियों पे इसके स्टिकर्स भी लगे हुए देखे जाते हैं। और डीसी की तरफ से गाड़ी की बात करें तो भाई डीसी की अवंती गाड़ी आती है, और सबसे जो पुरानी गाड़ी जिसके ऊपर हमें डीसी देखने को मिला था वो थी भाई टार्जन द वंडर कार मूवी में जो गाड़ी यूज की गई है उसके ऊपर भी आपको डीसी की बैजिंग मिल जाएगी। अब भाई डीसी है क्या? डीसी तो सबसे पहले बता दूं कि कंपनी के साथ साथ एक आदमी का भी नाम है, वो है दिलीप छाबड़िया। अब भाई दिलीप छाबड़िया जो है एक ऑटोमोबाइल डिजाइनर है, वो गाड़ियों को डिजाइन करते हैं, बस को डिजाइन करते हैं, वैनिटी वैन्स को डिजाइन करते हैं। इनके डिजाइन को इतना पसंद किया जाता है कि बॉलीवुड की काफी बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी अपनी वैनिटी वैन तक इनसे डिजाइन कराई है। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों को भी इनसे डिजाइन कराते हैं। लेकिन अब फिलहाल भाई अचानक से जो है डीसी मार्केट से गायब हो चुका है। इतना सक्सेसफुल और इतना तगड़ा प्रोडक्ट देने के बावजूद भी डीसी ऐसे कैसे गायब हो गया? इंडिया में अगर बात करें तो भाई डीसी ने अपनी एक गाड़ी उतारी थी, डीसी अवंती। अब भाई अवंती की बात करें तो मैं स्क्रीन पे आप देख ही रहे हो यार, लंबर्गिनी फरारी जैसी लुक्स वाली गाड़ी इंडिया के अंदर मेड इन इंडिया बिकती है। और भाई उसके अंदर रेनोल्ट के तरफ से एक इंजन आता था, वो उसके अंदर डाला जाता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये गाड़ी होती है, एक तरह से रेसिंग गाड़ी, स्पोर्ट्स कार इसको आप बोल सकते हैं। अच्छे डिजाइन के साथ, अच्छे लुक्स के साथ, और कीमत की बात करें तो सिर्फ 40 से 45 लाख रुपए। जब भाई ये गाड़ी आई तो मार्केट में तहलका मच गया, लोगों ने लैम्बर्गिनी को छोड़ दिया, फरारी को छोड़ दिया, इस गाड़ी के ऊपर टूट पड़े। सबको ये गाड़ी चाहिए थी, जहां लैम्बर्गिनी फरारी 1-2-3 करोड़ रुपए तक की मिलती थी, और वहीं जहां डीसी अवंती है वो 40 से 45 लाख रुपए में आपको मिल जाती थी ऑन रोड। अब भाई अचानक से ये कंपनी आई, थोड़े दिन बिकी, थोड़े दिन इसकी जो गाड़ियां हैं वो अच्छे से बिकी, फिर मार्केट डाउन जाने लगी क्योंकि कोई नया प्रोडक्ट नहीं उतारा था। रेनोल्ट का इसके अंदर इंजन था, इंटीरियर कुछ खास नहीं था, लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई काफी क्विक, काफी फास्ट गाड़ी थी, एक तरह से एक रेस कार ही थी। अचानक से फिर डीसी अवंती चली कहां गई? भाई डीसी गायब कैसे होगी? ठीक है, डीसी अवंती ही नहीं, डीसी कंपनी भी गायब हो गई। ठीक है, दिलीप छाबड़िया के ऊपर 2020 के अंदर उन्होंने एक आरोप लगा कि भाई उन्होंने जो है काफी सारा लोन लिया है और उसको चुकाया नहीं है। एक तरह से इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताऊं तो दिलीप छाबड़िया को 2020 के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने का कारण क्या था कि भाई दिलीप छाबड़िया ने ऐसा दिमाग लगाया कि अपनी ही गाड़ियों को बैंक से फाइनेंस कराया, उनसे लोन लिया और उस लोन को कभी चुकाया ही नहीं। जब तक दिलीप छाबड़िया का पता चलता तब तक दिलीप छाबड़िया 120 गाड़ी खुद को ही बेच चुके थे। ठीक है, और यहां तक कि उन्होंने एक चीज और करी कि एक ही चेसिस नंबर, एक ही इंजन नंबर, एक ही जो है रजिस्ट्रेशन नंबर काफी सारी गाड़ियों के ऊपर इस्तेमाल करके उनको फाइनेंस कराया। तो भाई ये एक स्कैम्स निकल के सामने आया दिलीप छाबड़िया का, जिसकी वजह से उनको जेल का रास्ता देखना पड़ा, उनको जेल हो गई। अब भाई हाल फिलहाल में तो देखो डीसी काम नहीं करता है इंडिया के अंदर, लेकिन डीसी 2 ने एंट्री मार ली है। अब देखना ये होगा कि भाई इंडिया के अंदर डीसी 2 क्या कमाल करता है। आने वाले टाइम में हमें डीसी 2 की गाड़ियां देखने को मिलेंगी। कंपनी का नाम डीसी 2 ही है और कोई नाम नहीं रखा इन्होंने, डीसी के बाद डीसी 2। ठीक है, अब भाई देखना ये होगा कि ये क्या कमाल करती है, कैसी गाड़ियां इंडिया के अंदर लेके आती है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाना। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।